क्या हाल चाल है आपका। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और हेल्दी से होंगे। और यहाँ मैं भी आई हूँ किचन में। ये फ्रूट जो है वो काफ़ी ख़त्म हो गए थे, मैंने आपको ये दिखाना था। मैंने कपड़ा जो मैंने फ्रूट के लिए बनाया है, मेरे अंदर जाली के दो पीस पड़े हुए थे, मैंने इनको जोड़ लिया तो ये बहुत प्यारा सा फ्रूट का कपड़ा बन गया है, फ्रूट के ऊपर डालने वाली टोकरी का। तो आज मैं एक आपको एक बात बताती हूँ, दो जो चीज़ें मेरी, एक ये रिंग और ये मेरे टॉप्स, अभी मैंने ये फिलहाल डाले हुए हैं, एक मैंने डाला हुआ है और एक मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये जो रिंग है मेरी, इसे मैं जब भी बच्चों को नहलाती हूँ या आटा गूंथती हूँ तो ये मैं यहाँ पे किचन में रख देती हूँ, फिर यहाँ पे ही रह जाता है। तो फिर बच्चे उठा के देते हैं, मम्मा ये ले अपनी रिंग, तो फिर मैं उठाती हूँ। तो आज भी यही हुआ कि मैंने नहला के बच्चों को बाहर नहलाया तो वहाँ पर मैंने रख दी, तो फिर मुझे ईशा ने दी, मम्मा ये आपकी रिंग। तो एक बार ऐसा हुआ कि हमारे घर में कौवा आया, तो उसने इस तरह किसी का चुमका था, ईयरिंग थी, मुझे याद है मैं बहुत छोटी थी उस टाइम, तो किसी का ना उठाया हुआ था, तो मुझे याद है कि मेरा भी ना केक को आई ना उठा के ले जाए। और दूसरी बात ये कि मेरा ये टॉप्स जो है ये आप देख सकते हैं एक साइड से थोड़ा सा टूटा हुआ भी है, मेरी आंटी के शूज़ के नीचे आया था, ये गुम हो गया था तकरीबन 2-3 दिन घुमा रहा है, तो ये ऐसे गिरा ना, तो उस आंटी में चल रही थी, उन्होंने देखा तो नहीं ये शूज़ के अंदर ये वाला चला गया, तो ऐसे जिधर जिधर से चली ना तो ये साथ ही रहा। तो एक दिन आंटी ने शूज़ उतारे ना, सर्दियाँ थी, तो वो शूज़ ना ऐसे एक दूसरे के साथ ना टच करके ना मतलब कि साफ़ करके वो पहनने लगी ना, तो ये देखा नीचे तो मेरा झुमका लगा हुआ था ये टॉप्स, तो फिर मेरे जाके मुझे मिल गया 2-3 दिन के बाद। तो ये कि मेरी इस लिहाज से मेरी किस्मत माशाल्लाह अच्छी है, मेरा गोल्ड की जो चैन थी 2-3 बार वो गुम होगी, माला थी वो गुम होगी, लेकिन ये क्या अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाती हैं, और ये टॉप जो है ये भी बहुत बार घूमे तो ये भी मिल जाते हैं। तो अगर आपके भी साथ ऐसा कुछ हुआ तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो इंशाल्लाह मिलूंगी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।